अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये रखा है और ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो शायद आप समझ रहे हैं कि ये कोई पेन है और समझने वाले भी समझ गए होंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ठीक है, ये है लेज़र लाइट। अच्छा, इसको दिखाने का मकसद जो है वो कुछ यूँ है कि मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी इसके बारे में। अच्छा, बच्चे अक्सर जो है वो ज़िद करते हैं कि हमें लेज़र लाइट चाहिए और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आइडिया है अच्छी तरह और नहीं भी है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ें जो है इफ़ेक्टिव हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए जो है वो नुकसान हो सकती हैं। तो ये लेज़र लाइट जो है आप इस देख सकते हैं, ठीक है, कितनी शार्प है। अच्छा, एक नॉर्मल लेज़र लाइट होती है जो वो बच्चों के लिए इतनी नुकसान नहीं होती। बहरहाल लेज़र लाइट तो खैर लेज़र लाइट ही है, वो किसी भी इस तरह की हो, बट इसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब अर्शमान ने मुझसे कहा तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि किस हद तक जो है ये नुकसान पहुँचा सकती है। तो जब अर्शमान लेकर आए तो फिर मैंने कहा सोचा क्यों ना मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जब भी बच्चे जो है वो आपसे ज़िद्द करें तो आप प्लीज़ कभी ना दिखाएं, ठीक है ना, और ना दिलाएं बच्चों को। और मैं जो है इसकी रेंज वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो अब मैं आपको जो है इसकी रेंज दिखाती हूँ, ठीक है। अर्शमान ज़रा दिखाओ मुझे इसकी रेंज, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव क्या चीज़ें होती हैं वो ये कुछ ये हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन बस ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। क्योंकि जब अर्शमान लेकर आए थे मुझे तो खैर इतना आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नुकसान है। बट किसी भी चीज़ को जो है आपने जब भी बच्चों को दिलाना है उससे पहले जो है वो आपने देखना है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें। अच्छा, ये जो लेज़र लाइट है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये अगर आइज़ पे जाती है तो फिर आप ये सोचें कि आंखों का क्या हाल होना है। तो मेन मकसद था कि अर्शमान लेकर आए थे तो मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊं कि ये चीज़ें किस हद तक आपके लिए जो है वो जो है नुकसान है बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे जब प्ले कर रहे होते हैं उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता, ठीक है। सो व्यूवर्स, यहाँ पे जो है वो मैंने अच्छी तरह सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, ठीक है ना। तो ये लेंसेज वगैरह इसके हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं बच्चों की आइज़ के लिए ना। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको बताऊँ। अर्शमान जब लेकर आए थे तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो जब अर्शमान ने मुझे बताया कि मम्मा ये सारी क्वालिटीज़ हैं इसमें, तो मैंने बेटा मैंने तो मुझे भी खैर ये कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा ना। तो बट ये है कि मैंने जब नेट पे सर्च की हैं इसकी सारी चीज़ें और देखी हैं तो मुझे आइडिया हुआ कि ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ कभी भी अपने बच्चों को इन चीज़ों से जो है वो आप प्लीज़ दूर रखें। और जो भी बच्चे कहते हैं, सारी सी बातें, बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता ना कि क्या चीज़ें उनके लिए सही हैं क्या गलत हैं। तो प्लीज़ आप उनको प्रॉपर गाइडलाइन दें और बच्चों को मना करें, ठीक है। तो बहर लक्ष्मण को मैंने दिला दिया था, बट ये है कि अब इससे जो है वो मैंने बिल्कुल भी प्ले करने नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो प्लीज़ उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।